बॉलर्स ने जाना चाहेंगे यहाँ पर पंकज पंकज पारी का जबरदस्त टंबलिंग और अंपायर का डिसीजन अभी आना बाकी उठे आउट दर्शकों की व्यवस्था यहाँ पे अजय मेटाणी जी के द्वारा दर्शकों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे राहुल बल्लेबाजी ने आसानी से चुरा दिया तीसरे अक्ल का वहां पर राहुल एक बार राहुल के पल्ले से निकलने राहुल को साइड का पिछला वाला मुकाबला तो वही तैराना होगा तो वही राहुल सामने के पंकज दौड़ना प्रारंभ दिन बनाने को पार करते हैं हल्का सा पकड़ कर पंकज दौड़ना प्रारंभ कीपर भी फेल हुई यहाँ पर स्कोर जब पकड़ता हुआ कारण तो वही कोटे का पहला और पारी का भी पहला ओवर स्पिन कर गया यहाँ पर जबरदस्त हिट करना चाहते थे यहाँ पर राहुल लेकिन करेक्ट ढंग से नहीं हुआ लेकिन दोनों बल्लेबाजों का आसानी से तो राहुल की जहां तक बात की जाए तो काफी अभी बैटिंग करेंगे एससी सामने होंगे सुजान एससी हिमालय सुजान बैटिंग करेंगे अभी तो वही सुजान सामने होंगे पंकज पहली बार इस भूतनाथ स्टेडियम में तो एक बार दौड़ना प्रारंभ पंकज अंपायर अमित मैदानी को पार करते हुए बल्लेबाज ने आसानी से चुरा दिया वहां पर दूसरा रन चुराना चाहते थे राहुल लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज सुजान ने मना किया तीस रन तो वही पारी का पहला और कोटे का पहला ओवर बोल किया जा रहा है यहाँ पर पंकज द्वारा काफी महंगा ओवर ये पंकज का तो एक बार तोड़ना प्रारंभ पंकज बैट टूटी क्या बैट टूटी बैट टूट चुका है एसजी हमारे सुजान का स्कोर 20 रन अब सामने हो गए संतोष के पहली बार राहुल धीरे धीरे संतोष दौड़ना प्रारंभ अंपायर सुशील चौहान को पार करते लेकिन पिछली गेंद लेकिन खेल रहे स्लिप क्षेत्र में तो वही संतोष दौड़ा तारा पत्थर से चार पत्थर का काम किया था से कैट के चित्र में तेरे बल्ले का जने आसक तो इस रन को तो राहुल सामने में संतोष दौड़ा प्रारंभ अंपायर सुशील चौहान को पार करते हैं अपने पत्ता बन के बाद से पिता से काम किया लेकिन बहुत बड़ा तरक नहीं है बाकी
तो एक बार संतोष युवा लड़की गए थी हल्की से अपील, लेकिन पंकज ने लक्ष्मण राउंड तक विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर लक्ष्मण। तो वही साथी कमेंटर अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आगे का आपको हाल सुनाएंगे आपको, तो वही आकाश चोपड़ा वाली कमेंट्री सुनने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर तीसरा ओवर गोल किया जा रहा है विशाल लक्ष्मण के द्वारा और टीम का स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। इस समय काफी अच्छी गेंद यहाँ पर विशाल अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार, और वहीं सामने पर होंगे मिस्टर राहुल। तो लक्ष्मण ने धीरे धीरे कदमा से आप बार को पार किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी। तो मिस्टर लक्ष्मण धीरे धीरे कदमा से आप बार को पार किया, तो काफी अच्छी गेंद और अच्छा शॉट खेल दिया लेफ्ट साइड में। तो आप बार का सारा 6 रन वही फिर से मिस्टर लक्ष्मण धीरे धीरे कदमा से अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ा दिशा से भटकते हुए इसी एक मिस्टर राहुल। तो लक्ष्मण ने धीरे धीरे कदमा से अंपायर को पार किया, वहां पर गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। तो मिस्टर राहुल के बल्ले से निकलने वाली चौथी बाउंड्री, तो इसी से टीम का स्कोर पहुंचा 37 रन बिना किसी नुकसान के। अपने निजी 28 रन के योग पर खेल रहे हैं, और वहीं मिस्टर सुजान उनका वो तो भी साथ दिला के मात्र 3 रन के योग पर खेल रहे हैं। लक्ष्मण अपने खर्चीले ओवर को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे कदमा से अंपायर को पार किया, काफी चिकन इस बार खेल दिया उसे लेफ्ट साइड में। जब तक फिगर गेंद को कदर करता दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया, तो इसी एक रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन।39 रन बिना किसी नुकसान के। मिस्टर अरविंद अपने बॉलिंग मार्जर फिर से तैयार है, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद उठाना चाहिए था मिस्टर राहुल। यहाँ पर थोड़ा मिसफील्डिंग है, पहुंचा 41 रन। तो यहाँ पर अगर बाप को ये मैच जीतना है तो लेफ्ट साइड में कैप्टन फील्डर गेंद को कवर करता, यहाँ पर रन आने होते मौका पर गेंद पूरा कर लिया, देसी एक रन की मदद से टीम का खेला पहुंचा 42 रन। धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद अरविंद चले, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद इस बार समझ नहीं पाए मिस्टर सुजन। तो काफी अच्छी गेंद इस बार, काफी अच्छी वापसी यहाँ पर मिस्टर अरविंद के द्वारा, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, अभी भी टीम का स्कोर अटका हुआ 43 रन। इसी बीच मिस्टर अरविंद चले धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद से खेल गया फील्डर से द्वारा, और पीसीसी मिश्रा को लगने वाला ये पहला झटका, और वही अरविंद सफलता, काफी अच्छी गेंदबाजी, 3 रनों का योगदान दिया है राहुल, और क्या कुछ कर पाता मिस्टर अरविंद। इसी बीच अरविंद धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद राहुल, और क्या कुछ कर पाता मिस्टर अरविंद। इसी बीच अरविंद धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद खतरा हो सकता है।
मैच की कोच आगे चेक कर रहा है जैसे लेग साइड में बॉल के बाल के तोड़ दिया गेंद के नीचे आ गए देखो कोई एक आसन से एक रन पूरा कर लिया सर बॉलर चले धीरे धीरे करना से बॉल को मार गया आगे चेक कर रहा है साइड में खेला उसके नीचे आसान से कैच क्लब फील्डर के द्वारा यहां पर मिस्टर विपिन को एक मिस्टर विपिन धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया काफी अच्छी रनिंग वहां पर मिस्टर सुबोध के द्वारा एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर सर राहुल जो कि गगन चुनी चार सिक्स लगा चुके हैं बॉलर चले धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया काफी गेंद से खेले लेग साइड में वहां पर खतरा हो आसानी से दोनों बल्लेबाज आगे निकल गए दूसरे के लिए जा रहे हैं वहीं पांच ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 54 रन एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर जो कि चार गगन चुनी सिक्स लगा चुके हैं तो मिस्टर संतोष चले धीरे धीरे कदम से आप बाहर को पार किया काफी गेंद उठाना चाहते हैं बॉलर वहां पर मात्र एक तो मिस्टर संतोष के सामने होंगे सुबोध इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया दोनों दूसरा रन भी पूरा कर लिया अंपायर को पार किया कमेटी के द्वारा उनको रमन भंडारी के द्वारा उनको 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा इसी बीच मिस्टर संतोष चले धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया दोनों बल्लेबाज ने आसानी से 2 रन पूरे कर लिए थोड़ा इस फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा 60 रन तो 3 छक्के पर 100 रुपए का इनाम रखा गया मिस्टर राहुल के देखते हैं कि लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते तो आने वाला व्यक्ति बताएगा इसी बीच बॉलर चले धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मिस्टर पंकज चले धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया काफी अच्छी तरह से खेल रहे हैं कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी भी टीम का स्कोर कवा 60 रन 2 महत्वपूर्ण बॉलर चले धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया गेंदबाजी करते हैं इस बार मिस्टर संतोष सॉरी पंकज इसी बीच कुछ वापसी इसी बीच मात्र 2 रन खर्च करके एक सफलता अर्जित कर चुका अपनी टीम के लिए अपने टीम के लिए 8 ओवर लेकर आया मिस्टर लक्ष्मण बॉलर चले धीरे धीरे कदम से अंपायर को पार किया
नुकसान नहीं, अभी भी टीम का शॉट के बाद 63 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये मैच खेला जा रहा है पाव और उत्तरा के बीच में। इसमें पाव की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, अंपायर को पार किया। आसान से कैच ड्रॉप वहां पर फील्डर के द्वारा, यहाँ पर एक विकेट होना चाहिए था, वहीं पर फील्डर के द्वारा आसान से कैच ड्रॉप। अगर पार को यह मैच जीतना है तो कैच पकड़ना होगा पार के। दोस्तों मैच में अगर हम मूंगफली का आनंद नहीं लिया तो मैच क्या होगा। और मेरे साथ आज के प्रयास टीम से खेलने वाले ऑलराउंडर आलोक उज्वाल भी हैं। तो आलोक उज्वाल, ठंड में मैच और मूंगफली में कितना रन आ रहा है? बिल्कुल मैच का इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और साथ ही साथ मूंगफली का भी, तो ठीक है। तब तक मैच अब लोग मैं बताना चाहूँगा, ये दूर जो टॉप हैं इनमें बर्फबारी होने वाली है और बारिश हो रही है और हल्की बारिश यहाँ भी हो रही है, और फिर भी ये पहाड़ी मैच होते हैं बारिश में हो जाते हैं। आप देख रहे हैं दर्शकों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। पहाड़ी क्रिकेट दोस्तों, यहाँ कहीं देर तक स्टंप खड़े नहीं होते हैं, देख रहे होंगे। और दूसरी रन तस्वीर से और अंपायर का डिसीजन अभी आना बाकी। आउट, आखिरकार अंपायर का डिसीजन आउट। Oh, dear.
तीन रन टीम के चार रन जीत के लिए चाहिए अभी 90 रन कौन जल्दी बताओ उसको मैं भाई
चार ओवर की समाप्त पर चौथा रन इकतालीस रन पहुंच गए तो 21 रन के लिए बावरे जा रहे हैं वापस बना दिया वहां पर जितेंद्र ने
जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर दर्शकों को लाभ करना चाहते हैं यहाँ पर सकते होंगे अंपायर अमित मैदानी अंपायर अमित मैदानी को पार करके टूटा सकता है अपने यादों में पास आते एक बार फिर सकते हो तो वही एक बार जाने जाते हैं कृष्णा बाला प्रारंभ लाभ करना चाहते हैं हम किसी अपने यहाँ पर वही एक बार सामने को भूतना स्टेडियम में पहली बार लगती बड़ो तो वही कृष्णा काफी लंबा रन आपको 10-12 से कदम होता तो एक बार दौड़ना प्रारंभ धान से गुजारने के साथ डिफेंस डाल देते हैं ऐसे स्टार्ट करके जीत फिर जितेंद्र तो सामने को जितेंद्र बारह बॉल में 34 रन चाहिए क्या हो गया
कितना के लिए चुराना चुराने कॉमेंट्री हाउस बिल्कुल पहाड़ों का कॉमेंट्री हाउस हमारा जब बारिश होती है तो ऐसी व्यवस्था होती है। और अभी मैं खीम के मुख्य मठ गांव में हूँ और यहाँ पर दर्शकों की व्यवस्था यहाँ पे अजय मेटाणी जी के द्वारा दर्शकों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे है। सुजान बहुत अच्छा रहा आपको मैच और अच्छी विकेट गिरी थी, ठीक है, बहुत बहुत। और इस तमाम ये हमारे नवयुवक साथी हमारे तुंगनाथ भेली हैं और अच्छी टीम है और अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मेरे साथ एस जी हिमालयन जिनकी क्रिकेट मैच के सबसे ज़्यादा व्लॉग मिलते हैं हमारे केदार भेली में, कैप्टन भी है और आपके बेस्ट कीपर भी हैं, तो क्या कहेंगे आप आपकी मैच के मैच का? हमारे पास थोड़ा सा प्रेशर ये था कि हमारे कुछ प्लेयर थोड़ा बाद में आए तो उसकी वजह से हमें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा है, और जब हारने की थी उसको हमने देख के खेलना पड़ता था, ये सबसे बड़ा प्रेशर था। नहीं तो इस जिस हद से बॉलिंग जा रही थी उस हद से हमने थोड़ा ज़्यादा मतलब कर लेती थी हो जाता, बाकी आज जो बॉलर थे सभी ने बेस्ट बॉलिंग की है और अपना जो बेस्ट बेस्ट दिया सभी ने।
आपको नहीं लगता कि जो ये आजकल जो हमारी ये खेतों की जो फिसलन वाली पिच होती है उसमें किरण बहुत ज़्यादा होता है? यस यस, वो चीज़ें बहुत सारी दिक्कतें करती है। जैसे सुबह तो एक बॉल को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था कि वाइट नहीं है, पर एक्चुअली उसकी बॉल हल्का सा जो बीच में गड्ढे थे उसकी वजह से बाहर को कट रही थी, तो उसको लग रहा था कि वो सीम पे डाल रहा था, बॉल थोड़ा बाहर जा रही थी, तो प्रेशर रहता है कि जो टीम थी उनके साथ से आ रखे थे, तो उनका एक चैलेंज भी था, चाहे हमारे लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, कि आप किसी के साथ मैच करवाइए, मेंटल प्रेशर भी होता है, किसी के साथ मैच करवाइए, हम तैयार हैं, हमने कहा हम तैयार हैं, आप हमारा मैच करवाइए, हम तैयार हैं। और बाकी जितने पब्लिक थी वो सारी पब्लिक ज़्यादातर उसके फेवर में थी, क्योंकि जब सिक्स रन रहता था हम लोग आउट कर लेते, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि जो बॉलर होते हैं थोड़ा प्रेशर आ जाता है, उनको थोड़ा सा कूल डाउन रखने के लिए हर बार बीच में चिल्लाना पड़ता है कूल कूल कूल। और मेरे साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल के ओनर हैं सुजान नेगी जी, और एक टीम के कप्तान भी हैं, और मुझे लग रहा है आपने सबसे ज़्यादा विकेट रन आउट रन आउट किए, और रन आउट आपका सबसे ज़्यादा विकेट भी है। बेस्ट हम लोग आगे ले मिलते फिर, और उनका चैनल है ये है राहुल सारी से, और जब शुरू में जो दो बॉल में इन्होंने 16 रन बनाए थे, दो बॉल में 16 रन बनाए थे राहुल, आपकी आपकी जो शुरू में आपने जो शुरू में बनाया कारण बन जी बिल्कुल जी, और प्रेशर बहुत था क्योंकि हमारे पूरे खिलाड़ी पहुंचे नहीं थे, तो काफ़ी प्रेशर में भी खेलना भी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी इस मत में भी सब लोगों का हमारा साथ दिया, अच्छे रन भी बने, और थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल अभी अजीज मालन सुजान की टीम विनर रही है, और आपकी टीम को उन्होंने हराया, कमेंट्री नहीं होने के कारण आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन पहाड़ों में ऐसे ही क्रिकेट मैच होते हैं दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको कहीं और किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में या अन्य ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।